यहाँ पर आज जो धरना रखा हुआ है, जो 2 तारीख में हमारे भाई अरेस्ट किए गए उनको छुड़ाने के लिए रखा हुआ है, पर जिस समाज के लिए वो अंदर गए आज वो समाज ही लगा रहा है। क्या वो जो 3 बच्चे अभी भी जेल में हैं जिनके पर राशुका लगी हुई है, क्या सिर्फ वो अपने निजी कारण से जेल के अंदर हैं? क्या समाज को यहाँ नहीं होना चाहिए था? अरे जिस जो लोग कुछ करते ही नहीं औरों को फंसा कर भाग जाते हैं उसके लिए तो लाखों भीड़ यहाँ इकट्ठी हो जाती है, और जो सच में ही सच में समाज के लिए काम कर रहे हैं और अंदर पड़े हुए उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनके लिए लोग घरों से भी नहीं निकलते। क्या आगे लड़ाई लड़ने का कोई कारण बचता है ऐसे? क्योंकि जब आप ऐसे युवाओं का मनोबल ही तोड़ दोगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो कौन आगे लड़ेगा आपकी लड़ाई? कोई नहीं ले सकता। और संघर्ष तो हमारे रगो रगो में है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमेशा हमें संघर्ष करना सिखाया, क्योंकि उन्होंने खुद ही संघर्ष किया है, और आज जो समय चल रहा है वो संघर्ष का चल रहा है, और ये एक समाज के संघर्ष के लिए नहीं है। अरे पकौड़े तो उन्होंने सर्व समाज के लिए और सभी धर्मों के लोगों से तलवाए हैं। मोदी जी ने कहा है कि अगर नौकरी नहीं है तो आप पकौड़े तलो, तो एक ही समाज क्यों लड़ाई लड़े? सबको लड़ना चाहिए, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? एक दलित समाज को। क्यों? क्योंकि वो सामने खड़ा हो जाता है, डरता नहीं है, बेबाक जुबान है उनकी, उनके सामने कटकर खड़े हुए हैं, इसलिए। पर फायदा तो सबको होगा अगर हम मोदी जी का विरोध करते हैं या योगी जी का विरोध करते हैं, तो फायदा किसको होगा? नौकरियां निकलेंगी तो सर समाज के लिए निकलेंगी, इस देश में तो और समाज भी रहता है। पर हमारे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, 3 बच्चे आज हमारे जेल के अंदर हैं। देश में इनके कारण जब से ये सत्ता आई है 4.5 सालों में इन्होंने सिर्फ खून के आंसू रुलाए इस देश को और कुछ नहीं दिया, और बस जुमलेबाजी की सरकार है ये, जुमलेबाजी करनी आती है इनको। अभी फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का इन्होंने हंगामा मचा दिया, और पता चला जहां 300 की बात हुई थी वहां 3 पेड़ भी, जहां इन्होंने बम गिराए वहां 3 पेड़ भी खत्म नहीं हुए। 300 लोगों की तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमने अपने सैनिकों के सब भी ठीक से दाह संस्कार नहीं किया था उन सबों का, और अभी हमारे एक भाई अभिनंदन कुमार पायलट पाकिस्तान के कब्जे में, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? क्योंकि हमने ऐसे आदमी के हाथ में देश सौंप दिया है जिसको बिरयानी खाने का शौक है, और उसको अपने देश की बिरयानी नहीं चाहिए, उसको पाकिस्तान की बिरयानी चाहिए, जो पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाकर आता है। और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो चाय बेचते थे, तो उनको भारत देश की चीनी भी रास नहीं आई, उनको पाकिस्तान की चीनी रास आई, वहां से पाकिस्तान से चीनी लेकर आते हैं, और बदले में हमें क्या देना पड़ता है? अपने देश के सैनिकों के सर उठाने पड़ते हैं। और हम कोसते किनको है? पाकिस्तानियों को। उनको सह कौन दे रहा है? हमारे वो नहीं आते हमारे यहाँ खाने के लिए, क्योंकि हमारे लग रहा है हमारे जो मोदी जी हैं वो काफी भूखे हैं, इसलिए उनकी भूख इस भारत देश को बर्बाद करके पूरी खत्म नहीं हुई, इसलिए वो बिरयानी भी खाने पाकिस्तान जाते हैं अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए। युवाओं को तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है, सब पर रासुका लगा लगा के सबको जेल में डाला हुआ है। युवा छोड़े कहाँ है? कुछ को बर्बाद कर दिया है नौकरियां ना देकर, मनोबल तोड़ दिया है इस देश के युवाओं का, करे तो क्या करे? और तो
देखना है। जब तक तुम इस सरकार को नहीं गिरा दोगे, इस देश में ऐसे ही खून के आंसू रोगे और सभी रोएंगे। ये नहीं कि एक समाज रोएगा, पूरा भारत रोता रहेगा जब तक इस सरकार को गिरा नहीं देते। जुमले ही सुनते रहना और जुमले सुनकर देश चलता नहीं है। रोज बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रोज युवाओं को जेलों में डाला जा रहा है। हो क्या रहा है, 4.5 सालों में तो इन्होंने अंत ही कर दिया। इतना तो हमने जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से भी नहीं देखा इतना अत्याचार तो देश के अंदर जितना इन 4.5 सालों में देखा है। जो हमारे युवा हैं, ये युवा बच्चे हैं जो इन्होंने जेल में डाले हुए, क्या ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है? क्योंकि इनको जेलों में डालना है युवा, क्योंकि युवा इनसे नौकरियां मांगते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं और ये उनका मुंह कैसे बंद कर देते हैं? जेलों में डालकर रासुका लगाकर। एक साल तक तो वैसे भी जमानत नहीं है रासुका में, तो कौन करेगा इनका अनुरोध? इसलिए पूरे देश से मेरी अपील है कि इस जुमलेबाजी सरकार को गिराओ और अपने बच्चों को भविष्य जो है सेव करो, नहीं तो आने वाला जो समय होगा बहुत बुरा होगा। अभी तो पाकिस्तानी हम पर हमला कर रहे हैं और देश भी करेंगे, इसलिए अपने देश को, क्योंकि सबसे पहले अपना देश है, कुछ नहीं है, पहले देश है अपना। इस जुमलेबाजी पार्टी को गिराकर अपने देश को बचाओ, सबका सहयोग, सब सहयोग करो, तभी ये जुमलेबाजी पार्टी गिरेगी, नहीं तो ऐसे ही खून के आंसू रोते रहना। और हम सब सभी यहाँ पर जंतर मंतर बनाए हैं आपको रोने के लिए, इसलिए यहाँ आकर रोते रहो, बस यही काम रह गया है। इसलिए आने वाले 2019 में हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना है जो इस देश को ठीक से चला सके, जो स्वर समाज की बात कर सके, और वो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, और वो है बहन कुमारी मायावती, जिसको शेरनी के नाम से भी पुकारा जाता है। जय भीम, नमो भारत।